छाती फोड़ रहे बाबू भैया तुम ठीक हो? मार रहे साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा छाती तोड़ रहे। वेल तो हेलो गाइस, मैं हूँ आरसी और आप देख रहे हैं आरसी गेमर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पबजी के अंदर, पबजी बीटा के अंदर एक दो नए मोड ऐड हो चुके हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईवो ग्राउंड के अंदर आपको पहला देखने मिलता है इन्फेक्शन मोड और सेकंड आपको देखने मिलता है पेलोड 2.0। फाइनली दोस्तों यहाँ पर इन्फेक्शन मोड और पेलोड 2.0 ऐड हो चुके हैं जो कि कब से लीक आ रहा था आप सभी ने देखा भी होगा यूट्यूब पे। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों मोड आ चुके हैं और मैं दोस्तों आपको पहले इन्फेक्शन मोड गेम प्ले दिखाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाने वाला पेलोड 2.0 के बारे में क्या है पूरा गेम प्ले आपको देखने मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक दे लेना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इन्फेक्शन मोड सिलेक्ट कर लिया और हम दोस्तों यहाँ पर रेडी कर देते हैं गेम को और देखते हैं हमें मैच मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों गेम ऑन हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इन्फेक्शन मोड, ये दोस्तों सिमिलर ही जो पहले हमने इन्फेक्शन मोड देखा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी लाइटनिंग देखने मिलती है जैसे हॉलोवीन के अंदर होती है, थोड़े पम्पकिंस और कैंडल वेंडल आपको देखने मिलते हैं, थोड़ा डेकोरेट किया गया है जो कि हेलोवीन में होता है। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से देखने मिलता है, इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट देखने मिलेगा। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं एक बिल्डिंग है जिसपे लिखा है मूनलाइट मेंशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। तो देखते हैं अब मैं क्या बनता हूँ, अभी 5 सेकेंड है, 4 3 2 1 एंड गो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं जॉम्बी बन गया हूँ दोस्तों, देख सकते हैं अब मैं जॉम्बी बन चुका हूँ। तो चलो थोड़ा फाइट कर लेते हैं। नहीं नहीं पहले दोस्तों मैं आपको ये जॉम्बी दिखा देता हूँ कैसा दिखने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जॉम्बी, आपको जॉम्बी के थोबड़े पर आपका मार्क्स देखने मिलेगा। तो पहले शायद सिंपल सा जॉम्बी होता था यहाँ पर, लेकिन अभी थोड़ा इसे मॉडिफाई कर दिया गया जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पर, हम थोड़ा बंदे विंदे मारते हैं, देखते हैं क्या होता सीन। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पम्पकिन रखा हुआ, पहले शायद टायर होता था। यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ तो चेंजेस देखने नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा लोकेशन तो आपको पूरा सेम देखने मिलता है, लेकिन आपको खाली जॉम्बी में चेंजेस देखने मिलेंगे और थोड़ा एनवायरनमेंट आपको थोड़ा डेकोरेटिव देखने मिलेगा जैसे हेलोवीन में होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैं बन चुका हूँ वैनक्यूज़र या फिर डिफेंडर। तो यहाँ पर मुझे जॉम्बी को मारना पड़ेगा, तो देखते हैं मैं कितना जॉम्बी मार पाता हूँ। तो यहाँ पर तो मैं अभी पहला भी जॉम्बी नहीं मार पाया हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो दो जॉम्बी मैंने मार दिया। तो यहाँ पर दोस्तों एक जॉम्बी देख सकते हैं राइट साइड में एक वाइट लगा दिख रहा है जो कि शायद बॉस है। तो ये शायद अभी फिनिश, इसका टेक्सचर वेक्चर अभी ऐड नहीं किया गया है, ये अभी सिंपली दिख रहा है, खाली आपको थोड़ा दिखता रहेगा इस जॉम्बी का। तो मैं अभी बन के दिखाऊँगा आपको वो वाला जॉम्बी, जैसे बॉस वाला जॉम्बी है वो आपको दिखाने वाला हूँ आगे की वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं इसको इस मतलब ये जो एनिमी को मारता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जॉम्बी बन चुका हूँ वाइट वाला। तो स्ट्रक्चर दोस्तों हमारा जो पहले बॉस था पायरेट जैसा था उसके जैसे ही स्ट्रक्चर अभी डिज़ाइन है, इसका मॉडल है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए शायद इसके ऊपर काम कर रहे हैं पबजी वाले और शायद कल परसों में या फिर इस कभी इसमें चेंजेस आ सकते हैं, इसको अपडेट किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो तो पूरा वाइट है, बस आपके चेहरे पे खाली एक मास्क लगा हुआ है डेविल टाइप का। तो देख सकते हैं आपको जिस तरीके से देखने मिलता है। ये हो गया दोस्तों इन्फेक्शन मोड या फिर जॉम्बी मोड के बारे में। तो अभी हम अगली बात करेंगे पेलोड 2.0 के बारे में, आपको दिखाने वाला पेलोड 2.0 में क्या खास देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो पेलोड 2.0 के अंदर आपको इस तरीके से हेलीकॉप्टर देखने मिलेगा और आपको नया व्हीकल मॉडिफाइड वाले व्हीकल देखने मिलेंगे और यहाँ पर दो नए रॉकेट लॉन्चर देखने मिलेंगे और यहाँ UAV देखने मिलेगा जिसको आप यूज़ कर पाएंगे एक लैपटॉप के जरिए, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में आप यूज़ करते कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर सेम टू सेम आपको इसमें भी देखने मिल जाएगा। और आपको कुछ रैंडम लोकेशन पर इस तरीके से हेडक्वार्टर टाइप कुछ देखने मिलेगा जिसपे आपको बहुत सारे लूट देखने मिलेंगे। और गाइस आपको यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी देखने मिल जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आपको इस लोकेशन के बारे में आपको देखने मिलेगा। तो मैं आप दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कि कुछ नए व्हीकल किस तरीके से देखने मिलने वाले हमें पेलोड 2.0 के अंदर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से पेलोड 2.0 के अंदर व्हीकल देखने मिलने वाला है जिसको आप यूज़ कर पाएंगे, पानी के अंदर भी यूज़ कर पाएंगे जो कि काफ़ी सही होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप दो साइड ड्रम लगा हुआ है जिसकी वजह से आपका जो व्हीकल है फ्लोट करेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों अब तो आपको बोर्ड भी नहीं लगेगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए, आप सीधा एक गाड़ी पर जहाँ पर जाना है आप ट्रैवल कर पाएंगे पानी के थ्रू भी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक आपको फायर वाला कुछ डिवाइस देखने मिलता है जो कि देख सकते हैं आप इस तरीके से काम करने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे यूज़ करते तो आपका जो पेट्रोल है मतलब फ्यूल है जल्दी से जाने वाला है, मतलब जल्दी से उसका मतलब ख़त्म होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मशीन गन लगा हुआ है, तो मैं इसे भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है, तो इस तरीके से अगर आप स्क्वाड के साथ खेलें तो आप इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बगी भी देख लेते हैं, यहाँ पर बगी भी पूरा मॉडिफिकेशन मतलब पूरा चेंज हो गया है, इसको भी आप पानी के अंदर चला पाएंगे
जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको देखने मिलता है इसके पर एक मशीन गन। तो यहाँ पर ये मशीन गन को मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे और इस तरीके से आप मशीन को फायर कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई स्क्वाड रश करता है तो इस तरीके से ये जो वेपन है बहुत ही काम करने वाला है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसी का जो मॉडिफिकेशन आपके इस तरीके से पेलोड 2.0 में देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको दो सीट देखने मिलती है जो कि आप स्विच कर सकते अगर स्क्वाड नहीं खेल रहे। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर जैसा कुछ तो देखने, यहाँ पर चलिए दोस्तों हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रॉकेट लॉन्चर है। तो इसमें आप दोस्तों एक ही बुलेट आपको देखने मिलता है, तो बहुत ही खराब ये चीज़ लगा मुझे। इसमें अगर ज़्यादा बुलेट होता तो ज़्यादा बेटर होता। यहाँ पर दोस्तों दूसरे सीट पर आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर के जो बाजू में सीट होता है उसके अंदर भी एक मशीन गन लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है, काफ़ी सही लग रहा मुझे। तो यह गाइस यही आपको पेलोड और पेलोड 2.0 या फिर इन्फ्लेशन मोड के अंदर यही सब चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। और ये ग्लोबल वर्जन में आएगा कि नहीं आएगा अभी तक कन्फर्म नहीं है। अभी जब ही कन्फर्म होता है कुछ भी रिलीज डेट के बारे में पता चलता है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा सबसे पहले। और दोस्तों आप सभी को पता चल चुका है कि लाइव स्ट्रीम हुआ था इरेंगर 2.0 न्यू इरा के ऊपर, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि 8 सितंबर को आपको देखने मिलने वाला है न्यू इरेंगर 2.0। और साथ ही साथ कुछ और भी मिस्ट्री आपको देखने मिलेंगे, क्या पता अभी आपको पेलोड 2.0 और या फिर इन्फेक्शन मोड देखने मिल जाए। तो आप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों एंड में कहना चाहूँगी सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर और बात करेंगे पबजी वाले और दूसरे इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।